देश में कोरोना संक्रमण का कहर अभी थमा नहीं है। हर दिन मौत का आंकड़ा रिकॉर्ड स्तर पर बढ़ रहा है। ये वायरस अब तक 2.5 लाख से ज्यादा लोगों की जान ले चुका है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में 3,48,421 नए कोरोना के केस आए हैं और 4,205 संक्रमितों की जान चली गई है। हालांकि 3,55,338 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। एक दिन मौत की संख्या ये सबसे ज्यादा है। इससे पहले 7 मई को 4,187 संक्रमितों की मौत हुई थी। 11 मई तक देश भर में 17,52,35,991 कोरोना डोज दिए जा चुके हैं। बीते दिन 24,46,674 टीके लगाए गए हैं। वहीं अब तक करीब 30.75 करोड़ टेस्ट किए जा चुके हैं। बीते दिन 19.83 लाख कोरोना सैंपल टेस्ट किए गए, जिसका पॉजिटिविटी रेट 17% से ज्यादा है। वहीं बात करें तो कोरोना के नए स्ट्रेन की ब्रिटेन, साउथ अफ्रीका और ब्राजील वेरिएंट के मामलों की, तो स्वास्थ्य विभाग के अनुसार बुधवार को 729, गुरुवार को 989 नए मामले, शुक्रवार को 659 नए मामले, शनिवार को 719 नए मामले, रविवार को 833 नए मामले, सोमवार को 902 नए मामले, मंगलवार को 807 और आज बुधवार को 897 नए मामले सामने आए हैं, जिससे देश में संक्रमितों की संख्या 22,775 से 23,672 हो गई है। जहां पहले ये 5 या 10 नए स्ट्रेन के मामले सामने आ रहे थे, अब वो 400-500 से कम नहीं आ रहे हैं, जो डराने वाली बात है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने आज बुधवार को ये जानकारी दी है। इनमें से हर मरीज को संबद्ध राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित स्वास्थ्य देखभाल संस्थानों में अलग अलग कमरों में रखा गया है। उनके करीबी संपर्क में रहे लोगों को भी पृथक रखा गया है। संपर्क में आए सहयात्रियों, परिवार में संपर्क में आए लोगों और अन्य का पता लगाने की व्यापक स्तर पर कोशिश की जा रही है।